यादव जी, अचानक कैसे आना हुआ मिर्जापुर? बजाई गई हमारी त्रिपाठी, इसलिए मिर्जापुर आए, और अब हमें तुम्हारी बजानी है। हम क्या है त्रिपाठी, छोटा बच्चा है कि तुमसे आके बतियाएंगे और वादे का झुंझुना लेकर बजाते हुए चले जाएंगे? हम हैं राजनेता, चूतिया बनाना हमारा काम है, और तुम कब से हम ही को चूतिया बना रहे हो? हमने कहा था वायलेंस कम करो त्रिपाठी, वायलेंस कम करो, लेकिन नहीं, पहले वो रति शंकर को निपटा दी और उधर शादी में तांडव मचा दी। इस तरह से हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, ससुरी की मैया चुदाएगी। अरे देखिए यादव जी, देख क्या देखे त्रिपाठी, क्या देखे? हाँ चुप, एकदम चुप रहिए। चुनाव किसको जीतना है यादव जी? पैसों की जरूरत किसको है? और हम कौन सा व्यापार करते हैं? चूड़ी बिंदी नहीं बेचते हैं हम, हथियार बेचेंगे तो वायलेंस थोड़ा बढ़ेगा और हो सकता है हमारे कंट्रोल में भी ना रहे। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। त्रिपाठी ये मत भूलो कि तुम हमारे गेस्ट हो, और गेस्ट को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। एक झटका देंगे लखनऊ में बैठ के तो हम हैं तो तुम हो। हम दोनों एक दूसरे से हैं, और आप जिस गेस्ट हाउस में बैठे हैं ये मिर्जापुर है, तो मेहमान हुए आप, और कायदे से आपको भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तो सीएम भैया भेजे हैं हम, और ये रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। सरकार वायलेंस को लेकर कुछ कर रही है ये दिखना चाहिए, और इसके दो ही तरीके हैं त्रिपाठी, या तो वायलेंस ना हो, और अगर हो गया तो वायलेंस करने वालों को सजा मिले। क्या चाहिए? मुन्ना चाहिए, वही किए हैं ना ये वायलेंस। 300 तो नहीं लगने देंगे त्रिपाठी, बस कुछ साल की सजा होगी। 24 आवर का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद खुद उठवा लेंगे।